अखिल भारतीय ब्राह्मण जन कल्याण समिति, संपादक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक चोरी चोरा की आवाज़। जी, आज आपके ऊपर जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया, क्या करने का? कल हम चोरी चोरा चौराहे पर श्री सागर स्वीट हाउस में बैठे थे अपने साथियों के साथ, चाय पी रहे थे। तब तक अननोन नंबर से मेरे मोबाइल पर कॉल आया। कॉल जैसे हम रिसीव किए, उधर से ये हुआ कि तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी, सर कलम कर दिया जाएगा, कमलेश तिवारी की दशा तुम्हारी भी कर दी जाएगी, हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष की दशा तुम्हारी कर दी जाएगी। फिर हम उस पर ध्यान नहीं दिए, चले गए अपने घर को। रात में भी उस नंबर से कॉल आया, तब भी हम उस पर ध्यान नहीं दिए। हमको लगा कोई व्यक्ति हो सकता है, दारू रुपया हो। सुबह जैसे सो के उठे, लगातार चार बार मेरे मोबाइल पर कॉल आया, चार बार रिसीव किए, चारों बार यही हुआ तुम्हारी सर कलम कर दिया जाएगा, 24 घंटा का समय दिया जा रहा है, तुम्हारे पूरे परिवार को समाप्त कर दिया जाएगा। स्थानीय थाने पर हम जाके सूचना दिए हैं, FIR तो दर्ज हो गया लेकिन सुरक्षा नहीं मिली। अगर मेरे साथ या मेरे पूरे परिवार के साथ कोई घटना घटती है, हिंदू समाज के साथ कोई घटना घटती है, ब्राह्मण समाज के साथ कोई घटना घटती है, तो इसकी जिम्मेदार शासन और प्रशासन के लोग। अध्यक्ष जी, क्या इसके पहले भी आपके साथ कहीं धमकियां मिली थी या कोई वारदात हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आज के 7-8 साल पहले मेरे बच्चे का अपहरण की कोशिश की गई थी।